एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के निकट एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे। बुद्ध ने जैसे ही उस गांव के भीतर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में जैसे सन्नाटा सा छाया हुआ है। आसपास के दूर दूर तक एक भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। गौतम बुद्ध गांव के प्रत्येक द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन भीतर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर बुद्ध दूसरे द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता है। ऐसे ही कई द्वार पर जाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर निकलता है और गौतम बुद्ध का हाथ पकड़कर वह उन्हें अंदर की ओर ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें तथागत बुद्ध, परंतु इस समय मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि डाकू अंगुली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है, जिसके डर से सभी गांव वाले डर कर अपने अपने घरों में छिप गए हैं। सभी ने अपने घर के खिड़की दरवाजे इत्यादि बंद रखे हैं। तभी तथागत बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि आखिर यह अंगुली माल है कौन, जिसके डर से पूरे गांव वाले डर कर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि अंगुली माल एक खूंखार और निर्दयी राक्षस है, जिसके भय से सभी लोग अपने अपने घरों में छिपने को मजबूर हैं। उसके समीप जो कोई मनुष्य जाता है, फिर चाहे वह वृद्ध, बच्चा, स्त्री, पुरुष या सन्यासी कोई भी हो, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि महाराज प्रसेनजीत के सैनिक भी उस अंगुली माल से डरते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या वह राक्षस अंगुली माल धन की लालच में ऐसा करता है? तभी वह वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, उस अंगुली माल को धन का तो कोई लालच नहीं है, वह तो लोगों पर वार करता है। वह लोगों की अंगुलियां काट कर उन्हें अपने गले की माला बनाकर पहन लेता है, इसीलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। और मैंने यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 1000 उंगलियां पूरी हो जाएंगी, तब उसकी शक्तियां और भी अधिक प्रबल हो जाएंगी। अंगुली माल के विषय में पूरी बात जानने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से आभार प्रकट किया और कहा कि आपने मुझे उस अंगुली माल के विषय में बताकर बहुत अच्छा किया। अब गौतम बुद्ध वहां से जंगल की ओर जाने वाले थे, तभी उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि कृपा करके तथागत आप बाहर जंगल की ओर ना जाएं, क्योंकि वह राक्षस आपके ऊपर भी वार कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि भय के कारण मैं अपने कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता ना, और यदि मुझे भिक्षा मांगते हुए लोगों ने देख लिया तो शायद उनके हृदय से अंगुली माल का भय भी कम हो जाए। वृद्ध व्यक्ति पुनः गौतम बुद्ध से याचना करता है कि हे बुद्ध, जो भी हो, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो आपके कोई भी उपदेश को नहीं सुनेगा, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि वो खतरनाक नहीं है, बल्कि वह दुखी है, उसका हृदय व्यथित है और मेरा उसके पास जाना बहुत आवश्यक है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां अंगुली माल निवास करता था। महात्मा बुद्ध जब जंगल में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वहां दूर दूर तक एक भी मनुष्य, पशु और पक्षी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और सीधा आगे की ओर बढ़ते रहे। अचानक थोड़ी दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद अंगुली माल बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा इतना अधिक डरावना था कि कोई भी मनुष्य उसे देखकर आसानी से भयभीत हो सकता था। अंगुली माल के गले में बहुत सारी अंगुलियों की माला थी। उसके चेहरे और हाथ खून से सने हुए थे। उसका शरीर एक साधारण व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। उसे कोई भी देख ले तो उसके प्राण निकल जाए। इसके बावजूद भी
बुद्ध पर उसका तनिक भी असर नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध कुछ समय तक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुली माल की ओर देखते रहे और उसके बगल से ही अपने मार्ग में आगे की ओर निकल पड़े। यह दृश्य देखकर अंगुली माल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन यह सोचने लगता है कि आखिर यह भिक्षु है कौन जो मुझे देखकर भी नहीं डरा और मेरे सामने से चला भी गया। यहाँ लोग मुझे देखकर डर से कोसों दूर भाग जाते हैं, परंतु यह भिक्षु मुझे इतने करीब से देखकर भी नहीं भयभीत हुआ। मैंने आज से पहले अनेकों भिक्षु सन्यासियों को मारा है, परंतु आज तक इस भिक्षु के जैसा व्यक्ति नहीं देखा। मुझे इस प्रकार अनदेखा करके अपने मार्ग में बिना डरे बढ़ जाए, यह हो ही नहीं सकता। इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है यह अंधा हो जिसे दिखाई नहीं देता हो। फिर अंगुली माल ने खुद से ही कहा कि मुझे इससे क्या लेना देना, वो अंधा है या नहीं, मुझे तो बस उसकी उंगली चाहिए जिससे मैं अपनी माला में अंगुलियों की संख्या पूरी कर सकूं। अंगुली माल ने महात्मा बुद्ध को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि ए सन्यासी रुको। लेकिन गौतम बुद्ध अंगुली माल की बातों को अनदेखा करके आगे की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार खुद को अनदेखा किया जाता देखकर अंगुली माल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में अंगुली माल ने बुद्ध को दोबारा बहुत तेजी से आवाज लगाई, ए सन्यासी रुक। लेकिन बुद्ध ने फिर से उसे अनदेखा कर दिया और आगे जाते रहे। अंगुली माल गुस्से से लाल होकर बुद्ध का पीछा करते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया तूने? इतनी बार तुझे आवाज लगाई फिर भी तू नहीं रुका, क्यों? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो अपने ही स्थान पर बहुत पहले से रुक चुका हूँ, लेकिन तब से तुम ही चलते जा रहे हो। बुद्ध की बात को अंगुली माल कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा सन्यासी उससे जरा सा भी भयभीत नहीं हो रहा है। अंगुली माल बुद्ध पर चिल्लाते हुए पूछता है कि सन्यासी, तुझे क्या मुझसे डर नहीं लगता? मैं एक खूंखार राक्षस हूँ। तभी बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम राक्षस नहीं, एक मनुष्य हो। बुद्ध की बात सुनकर अंगुली माल का मन बेचैन सा हो गया, क्योंकि जीवन में पहली बार उसे किसी ने मनुष्य कहकर संबोधित किया था। लेकिन ये सुनकर भी वह उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि सन्यासी, तुमने यह क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है और मैं अभी भी चलता जा रहा हूँ? सन्यासी, तूने ऐसा क्यों कहा था? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, मैं पहले से रुक चुका हूँ। इसका तात्पर्य है कि मैंने सारे बुरे कार्यों को छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को मुझसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचे। इस धरती पर सभी प्राणी जीना चाहते हैं, बस तुम एक बार उन्हें करुणा के भाव से देखने का प्रयास तो करो। गौतम बुद्ध की इस बात से अंगुली माल के हृदय पर दोबारा से चोट लगी, लेकिन ये सुनने के बाद भी गौतम बुद्ध की बातों को अंगुली माल अनदेखा कर देता है और क्रोध में आकर गौतम बुद्ध के गर्दन पर अपना खंजर रखते हुए चिल्लाकर वो बुद्ध से कहता है कि मानव में ना तो प्रेम होता है और ना ही करुणा की भावना। मनुष्य के भीतर छल कपट भरा होता है, इसीलिए मैं सभी की हत्या करूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से अंगुली माल से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों ने बहुत अधिक दुख दिया है। क्रूरता मनुष्य के भीतर अज्ञानता के कारण ही होता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया ये सब अज्ञानता के कारण ही उत्पन्न होते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसके अंदर दया और करुणा होती है वे बहुत ही सत्यवान होते हैं। बस तुम्हें भी यही करना होगा, अच्छाई और बुराई के अंतर को समझना होगा, सत्कर्म की ओर बढ़ना होगा। तीसरी बार गौतम बुद्ध के शब्दों को सुनकर अंगुली माल का हृदय द्रवित हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि उसे पहली बार इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह बहुत कोशिशों के बावजूद भी क्रोध क्यों नहीं कर पा रहा। परंतु फिर भी अंगुलीमाल बहुत हिम्मत जुटाकर कहता है कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, जरूर तुम कोई बहुरूपिया हो। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि नहीं, मैं भी एक साधारण व्यक्ति ही हूँ। बस मैं लोगों के मन में दया, क्षमा और प्रेम का भाव जागृत करने का कार्य करता हूँ। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जिस प्रकार एक पेड़ के टूटे हुए पत्तों को तुम दोबारा से जोड़ नहीं सकते, ठीक उसी तरह किसी के प्राण को तुम वापस नहीं कर सकते। यह अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस एक क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथों से खंजर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अंगुलीमाल ने रोते हुए गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा मैं भी मुक्ति के मार्ग पर जाना चाहता हूँ। मैंने पूरे जीवन पाप किया है, मुझे मुक्ति के मार्ग पर कृपा ले चले। मैं पाप के समुद्र में बहुत ही दूर निकल गया हूँ। अब मुझे लगता है कि अब शायद मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाते हुए कहा कि तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, जब जागो तभी सवेरा है। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। आज तक तुमने जो भी कार्य किया है अनजाने में किया है। अब तुम अच्छे और बुरे में अंतर को जान चुके हो। जिस दिन तुम अपने सत्कर्म और नैतिक आचरण से लोगों की भलाई करना शुरू कर दोगे, तुम्हें नव जीवन मिल जाएगा। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गौतम बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल हो जाने की प्रेरणा दी और कहा, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, तुम्हारे जैसे असंख्य लोग इस संघ में शामिल हैं, जिन्होंने अज्ञानता से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया है, तुम भी वही करो। तब से अंगुलीमाल संघ के कार्यों में संलग्न रहने लगा। उसकी लगन नेक कार्यों में लगने लगी। उसने पूरे मन से संघ में सभी की सेवा की। इन अच्छे कार्यों की वजह से अंगुलीमाल का नाम बदलकर अहिंसक कर दिया गया। इतना होने के बाद अब उसके परीक्षा की घड़ी आ गई थी। अहिंसक अपने गांव जाता है। उसके गांव पहुंचते ही ग्रामीण उसे लाठी डंडों और पत्थरों से पीटने लगते हैं, लेकिन उसने कभी भी पलटवार नहीं किया। इस बात की खबर जैसे ही भगवान बुद्ध को मिली, उन्होंने गांव जाकर लोगों को समझाते हुए कहा कि अब यह दानव से मानव बन चुका है, वैसा नहीं रहा जैसा आप सभी उसे मान रहे हैं। इसका हृदय परिवर्तन हो गया है। भगवान बुद्ध ने उस गांव की जनता से कहा कि क्या यह बदलाव आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा है? यह तो बदल चुका है, परंतु आप सब कब बदलेंगे? इस बात का उस गांव के लोगों के जीवन में इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उन सभी लोगों ने भगवान बुद्ध को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी और अहिंसक को क्षमा करके उसे अपना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी के जीवन को एक बड़ी सीख मिलती है कि लोग यह सोचते रहते हैं कि उन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक जितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप एक अच्छे विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे सत्कर्म के मार्ग पर चलना है, तो वही सद्विचार आपके जीवन में रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आपको बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थी एक खूंखार राक्षस अंगुलीमाल के अहिंसक बनने की कहानी, जिसने महात्मा बुद्ध के ज्ञान के मार्ग पर चलकर खुद को बुराइयों से दूर किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा।
दोस्तों इस कहानी के विषय में आप सभी का क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।